हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस। ये आपका चैप्टर 3 सोशियोलॉजी बुक ग्रेड 12 से। चैप्टर में इसकी शुरुआत इसके प्रीफेस, अभी तक जो भी हमने कास्ट से संबंधित पढ़ाई करी उसको हम इम्पोर्टेंट फील्ड मान सकते हैं स्टडी के लिए। और ये खाली सोशियोलॉजिस्ट के लिए नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए भी है। एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी वो लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालते काम काज देते हैं। और आज से नहीं, हमारे इंडिपेंडेंस के पहले से ये चीज जो है चली आ रही है। हमारी जो इंडियन सोशल लाइफ है उसमें जो हायरार्किकल ऑर्डर होता है कास्ट का, यानी कि जो एक रैंकिंग होती है कास्ट की, वो जुड़ी हुई है हमारे कंजेंशन स्टेटस से। कंजेंशन स्टेटस क्या होता है कि जो हमारे को बर्थ से हमारे एक जुड़ाव हो जाता है, आप इस कास्ट को पर्टिकुलरली बिलोंग करते हैं। जो हमारी स्टैंडर्ड 11 थी उसमें आपने पढ़ा कास्ट सिस्टम के बारे में और उनके फीचर्स के बारे में। हम सब जानते हैं कि कास्ट सिस्टम में एक हायरार्किकल अरेंजमेंट होता है, ऑर्डर होता है, जिसमें कुछ कास्ट ऐसी होती है जिनको हायर स्टेटस मिलता है और कुछ कास्ट ऐसी होती है जिनको लोअर स्टेटस मिलता है। संविधान के अनुसार संविधान ने जो है आइडेंटिफाई करी है लोअर कास्ट और उनको कहते हैं हम बैकवर्ड क्लासेस। अब देखते हैं सबसे पहले बैकवर्ड क्लासेस के बारे में। अगर आप बैकवर्ड क्लासेस के बारे में सही तरीके से समझना चाहते हैं, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उसका बेसिक फॉर्म कैसा है, जो कि बनी हुई है कास्ट से, अलग अलग स्टेटस के और अलग क्लोज्ड कास्ट ग्रुप्स के। बैकवर्ड क्लासेस जो है कोई एग्रीगेट नहीं है या समूह नहीं है, बल्कि वो सोशल ग्रुप्स हैं जो अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग सोसाइटीज के अंदर एक दर्जा रखते हैं और अरेंज्ड है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो हमारा सामाजिक स्टेटस है उसके नजरिए। मतलब ये एक तरीके का सोशल ग्रुप है, ये कोई समूह नहीं है। जहाँ जिस जगह वहाँ की जो सोसाइटी होती है उसके हिसाब से इनका जो है एक स्टेटस अलग। तो बैकवर्ड क्लास में आते हैं शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास। जनरली शेड्यूल कास्ट जो है उनको हम दलित बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स को आदिवासी, और जो सामाजिक तौर पे या शिक्षित तौर पे अगर कहा जाए पिछड़े पिछड़े हुए हैं कास्ट हैं या ग्रुप्स हैं उनको कहलाते हैं अदर बैकवर्ड क्लास। सोशियोलॉजी का स्टूडेंट होने के नाते आप सबके पास एक सवाल होगा इन कास्ट संबंध कि ये उभरे कैसे, इनकी उत्पत्ति कैसे, ये फीचर्स क्या है, कैसे इनकी पहचान होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनसे इन कास्ट का एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है। तो यही सारे जो सवाल हैं इनको हम इस यूनिट में समझने की कोशिश करें। सबसे पहले देखते हैं शेड्यूल कास्ट। पहले क्या था, ये जो कास्ट थी ये बोली जाती थी अनटचेबल वर्ल्ड सिस्टम में, और फिर कास्ट सिस्टम में जहाँ इनको इंक्लूड किया गया है वो ये है कि रैंकिंग है कास्ट सिस्टम की, उसमें ये सबसे नीचे लेवल पे आते हैं बॉटम में। ये कास्ट जो है फिर अलग अलग नामों से अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग समय पे बोली जाती है। गांधी जी जो है इनको हरिजन बोलते थे, जबकि कुछ लोग जो है इनको डिप्रेस्ड क्लास कहते हैं, तो काफी ज्यादा मायूस होते। पर इंडिपेंडेंस के बाद इन कास्ट को डिस्क्राइब किया गया शेड्यूल कास्ट के तौर पे हमारे संविधान में इंडिया। ये जो शेड्यूल कास्ट है ये इसका इस्तेमाल खाली एक कास्ट के लिए नहीं होता, बल्कि ये हर उस कास्ट के लिए होता है जो अपने सोशल इकोनॉमिक और एजुकेशनल पिछड़ेपन के कारण एक या ज्यादा से ज्यादा कैटेगरी में वो रखा गया है। कह सकते हैं कि कास्ट जो है जो भी इस कैटेगरी में आते हैं वो हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं। वो कास्ट जो सोशल इकोनॉमिक और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू पिछड़ी हुई है वो सब जो है शेड्यूल कास्ट में आती है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या है शेड्यूल कास्ट का। ऐसा नहीं है कि जो शेड्यूल कास्ट है वो एक पर्टिकुलर स्टेट को बिलोंग करती हो या कुछ स्टेट्स को बिलोंग करती हो इंडिया की। ये अलग अलग स्टेट्स में रहती हैं, अलग अलग यूनियन टेरिटरी रहती है और कुछ ग्रुप में होती है। एक सिंगल स्टेट जो है वो अकेला घर हो सकता है एक से ज्यादा शेड्यूल कास्ट के लोगों के। ये कास्ट इनके जो है रीजनल क्षेत्रीय तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर भी डिफरेंट हो सकते हैं। इसकी बहुत लंबी है, पर हम यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन लेंगे वो उनका प्रपोर्शन होगा इंडिया में कैसा है और गुजरात में कैसा है। कई सालों से शेड्यूल कास्ट जो है वो हमेशा सोशल हायरार्की जो ऑर्डर है
में सबसे नीचे रखी जाए। ये लोग ज्यादातर वो काम करते हैं जैसे चमड़े का काम होता है, सफाई का है, बुनाई का है, मतलब बुनकर जो होते हैं, जो बहुत ज्यादा पैसा देने वाले नहीं है, ऐसे आराम वाले काम नहीं, या हाई फाई काम नहीं। अब क्योंकि ये हमारी कंट्री के नागरिक हैं, इनके पास जो है कुछ ऐसी इनकेपेबिलिटीज, इनको अगर रिमूव करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1955 में एक एक्ट आया था, इसका नाम था अनटचेबिलिटी एक्ट, ऑफेंसेस 1955 में, ताकि अनटचेबिलिटी को खत्म किया। साथ ही साथ चेंज लाना होगा एटीट्यूड में, बिहेवियर में। ये जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं, इनके ये कैसे आया, जब एजुकेशन जो है ज्यादा से ज्यादा हो, नए ऑक्यूपेशन और जॉब्स निकले, इंक्रीज किया जाए प्रपोर्शन ट्रांसपोर्टेशन का, मीन्स कम्युनिकेशन के बढ़ाए जाए, शहरीकरण हो, औद्योगिकरण हो और संस्कृताई, इन सब से ही जो है इनको थोड़ा सा इनके प्रति बदलाव लाया जा सके। शेड्यूल कास्ट के जो परिवार होते हैं वो आपको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में नहीं मिले। यहाँ पर आपके पास टेबल वन जो दी है वो आपको दिखा रही है प्रपोर्शन शेड्यूल कास्ट जो पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर गुजरात से 1961 से बता। अभी हमारे पास जो टेबल है मैं इंडिया और गुजरात का कंपैरिजन करके चल 1961 से जो प्रपोर्शन है शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन का, तो टोटल पॉपुलेशन जो इंडिया और गुजरात में 1961 से 2011 तक वो एरिया है, 61 में इंडिया में 14.64 थे, गुजरात में 6.3, 71 10 साल बाद 14.6 कमी आई, यहाँ बढ़ गए 6.8, 81 में इनकी बड़ी संख्या 15.65, वहीं यहाँ भी बढ़ गए 1991 में 16.48 हो गए, यहाँ 7.4, फिर 2001 में कमी आई 16.20 रह गए, यहाँ भी कमी आई 7.10, और 2011 में और कमी आई 16.02, तो यहाँ पर रह गए 7.10, 2001 और 11 की बराबर है। अब इस टेबल से हमें क्या पता चलता है कि प्रपोर्शन है शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन का इंडिया के अंदर वो 14.6% से बढ़कर 1961 में 16.02% हो गया 2007 में। वहीं जो गुजरात में फिगर्स हैं वो 6.33% से 7.10% तक पहुंच गए। दूसरी टेबल जो दी हुई है वो नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स दिए हुए शेड्यूल कास्ट के अंदर जो बीच में जो होते हैं, मतलब जो शेड्यूल कास्ट के मेल्स और फीमेल्स हैं उनकी टेबल दी है 2001 और 2011 की, में आप एक तरह से डिकेड का डिफरेंस देख सकते हैं, 10 सालों का डिफरेंस। मिलियंस में है मेल्स और फीमेल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, जो शेड्यूल कास्ट है इंडिया के अंदर टोटल है 2001 में 166.6, 2011 में हो गए 201.4 टोटल पॉपुलेशन, यानी प्लस 20.8% का इजाफा हो गया। वही मेल्स 86.1 थे वो 103.5 हो गए, फीमेल्स 80.5 थी वो 97.9, यानी फीमेल्स की संख्या जो है वो ज्यादा बढ़ी, 20.3 से ये 21.5। जो टेबल है उसमें ये दिखाया जाता है कि पिछले दशक में जो पॉपुलेशन थी कास्ट की वो इंक्रीज हुई है लगभग 21%। टोटल पॉपुलेशन में जो प्रपोर्शन फीमेल्स का था वो कम था मेल काउंटर पार्ट्स के मुकाबले। अब अगर टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन में कहें, रोहित कास्ट है वो सबसे टॉप पर है लिस्ट में, जो कि लगभग 1/4 है टोटल शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इंडिया के अंदर। उसमें प्रपोर्शन जो शेड्यूल कास्ट का है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है पंजाब के अंदर 31.9% और सबसे कम है मिजोरम में 0.1%। चार शेड्यूल कास्ट जो है बहुत ज्यादा हमारे यहाँ प्रचलित है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, गुजरात के अंदर महायवंशी, वैंकर, कांबी, रोहित जिन्हें, वाल्मीकि, मेहतर, रूखी और मेघवार और मेघवाल। ये चार जो है आपकी कास्ट दी हुई है शेड्यूल कास्ट। अब नई पहचान जो शेड्यूल कास्ट की, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है के प्रभाव से, उनके इन्फ्लुएंस से और कोशिशों से सोशल रिफॉर्मर्स की, या और जो कदम उठाए गए सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए शेड्यूल कास्ट के, इंडिपेंडेंट जब हमें मिल गई उसके बाद के पोस्ट इंडिपेंडेंट की, तो जो स्ट्रक्चर है कास्ट बेस्ड सोशल हायरार्की का उसमें चेंज आया। किस चीज का फायदा शेड्यूल कास्ट ने उठाया, फैक्टर्स जैसे प्रोसेस है संस्कृताइजेशन का, बुद्धिज्म के अडॉप्शन का, रिजर्वेशन पॉलिसी हो गई, एजुकेशन है, ऑक्यूपेशन में बदलाव है, सेल्फ अवेयरनेस जागरूकता है,
ने इनको एक नई पहचान दी। कुछ एजिटेशन यानी विरोध भी हुए इसलिए कि इसका बेटरमेंट हो, धीमे धीमे ही सही, पर अब ये अपने आप को फ्री कर पा रहे हैं। जो तो डिस्क्रिमिनेशन का एक भेदभाव का ग्रिप था उससे ही अपने आप को फ्री कर पा रहे हैं, और ये जो है दिन ब दिन अपने आप को प्रोग्रेस करा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन जो आज तक चल रहा है, तो ये अपने आप को, पहले जिनको सेपरेट रखा जाता था, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, अभी अपने आप को उससे मुक्त करके आगे बढ़ने की कोशिश कर। और ऐसे ये कहा जाता है कि अगर इनको मर्ज कर दिया जाए जो मेन स्ट्रीम है सोसाइटी, ये जो है वाकई में एक कंस्ट्रक्टिव तौर पर अपनी पहचान को हासिल कर चुके। फिर इसके बाद आता है शेड्यूल ट्राइब्स, ये करते हैं अगले वीडियो।